हाजिर मंडियों में चने की कीमतें एमएसपी से ऊपर ही देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में चने की एमएसपी में बढ़ोतरी की थी। चने की एमएसपी पहले 5100 रुपए प्रति क्विंटल थी। सरकार ने साल 2022-23 के सीजन के लिए चने की एमएसपी में 130 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की है और अब चने की एमएसपी 5230 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। वायदा बाजार में भी चने की कीमतों में अचानक से उछाल देखा गया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया चने का सबसे बड़ा निर्यातक है और ऑस्ट्रेलियाई चने के दाम भारतीय चने के मुकाबले काफी अधिक हैं। वहीं आने वाले दिनों में चने की डिमांड बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल और होटलों का खुलना है। 2020-21 में चने का उत्पादन 119.9 लाख टन रहने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि चने के उत्पादन को लेकर व्यापारियों, स्टॉकिस्टों और मिलों में तकरार भी देखने को मिला है, जिसमें चने का उत्पादन कोई कम तो कोई ज्यादा बता रहा है। वहीं बाजार जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी चने की कीमतों में गिरावट के संकेत कम ही देखने को मिल रहे हैं। त्योहारी मांग को देखते हुए चने की डिमांड बनी रहेगी और जब त्योहार ज्यादा पास होंगे तो कीमतों में और उछाल देखने को मिल सकता है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।